दोस्तों, ये कहानी स्वरा नाम के एक 12 साल की लड़की की है जो अपने घर की गरीबी से तंग आ गई थी। उसका दुखड़ा सुनकर गणपति पापा ने उसे एक अनोखा वरदान दिया। क्या था वो वरदान, चलिए देखते हैं ये कहानी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मनीष और सुषमा बहुत खुश हुए जब उनके घर बेटी पैदा हुई। उन्होंने सारे गाँव को दावत पे बुलाया। मनीष एक दर्जी था जो गांव में बहुत ही मशहूर था। अरे मनीष, मुझे अपने साले की शादी में जाना है, मेरे लिए एकदम अच्छा सा सूट सिला दो, क्यों नहीं सेठ जी। मनीष के काम से सारे गांव वाले खुश थे। मनीष की पत्नी सुषमा भी उसका हाथ बटाया करती थी और ज्यादातर औरतों के कपड़े सुषमा ही सिलाया करती थी। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। लेकिन अचानक एक दिन मनीष का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वो वही चल बसा। सुषमा अब अकेली रह गई थी। सुषमा ने कपड़े सिलने का काम जारी रखा जिससे उसका घर चल रहा था। अब वो सिर्फ औरतों के ही कपड़े सिल रही थी जिससे मुश्किल से उनका गुजारा होता था। इस बात को 12 साल बीत चुके थे और सुषमा अभी भी सिलाई का काम ही करती थी। उसकी बेटी स्वरा अब बड़ी हो रही थी। माँ, मुझे भी सोने की बाली चाहिए। विद्या के पापा ने उसके लिए नई बाली खरीदी। तुम मेरे लिए सोने की बाली कब खरीदोगी? स्वरा, तुम तो जानती हो कि मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे स्कूल का खर्चा जोड़ती हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें सोने की बाली कैसे खरीद के दूँ? स्वरा माँ से रूठकर रोया करती थी। कुछ दिनों बाद एक बार फिर स्वरा घर मुंह फुला के आई। क्या हुआ स्वरा? कुछ नहीं। सुषमा स्वरा के पास गई। अब कौन सी बात तुम्हें सता रही है? क्यों हम ही गरीब हैं? क्यों मेरे पापा नहीं है? क्यों माँ, क्यों? क्योंकि ये सब भगवान की मर्जी है। क्यों भगवान मेरे साथ ही ये सब कर रहे हैं? लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओगी? आज मेरे सभी दोस्तों के पास अपनी अपनी साइकिल है, एक मैं ही हूँ जो स्कूल पैदल जाती हूँ। मेरे सभी दोस्तों को कुछ न कुछ तोहफा मिलता ही रहता है और एक मैं हूँ जिसके पास ढंग के कपड़े और चप्पल तक नहीं है। स्वरा बेटा, तुम तो रहने ही दो माँ, जब देखो वही बोलती हो, हम गरीब है गरीब है वगैरह वगैरह। ऐसा बोलकर स्वरा तमतमाते हुए घर से बाहर निकल गई। वो सीधे मंदिर जा पहुंची। गणपति जी, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। क्यों मैं गरीब हूँ? क्यों मेरे पापा जिंदा नहीं है? क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिलता? क्यों मेरे पास ही साइकिल नहीं है? क्यों मुझे कोई तोहफा नहीं देता? स्वरा की इतनी सारी शिकायतें सुनकर गणपति प्रकट हुए। स्वरा, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्योंकि यही नियति थी। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? और माँ, वो तो मेरी एक बात नहीं मानती। उनके पास इतने पैसे हैं, फिर भी मुझे कुछ दिलवाती ही नहीं है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब से जब भी तुम्हारी माँ रोएगी तो उनके आंसू हीरे बन जाएंगे जिसे बेचकर तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। लेकिन याद रखना, अगर इसके बाद कभी तुम रोई तो ये सब खत्म हो जाएगा और तुम वापस पहले जैसे गरीब हो जाओगी। स्वरा ने गणपति जी को प्रणाम किया, वो वहाँ से चली गई। स्वरा घर आई और उसने अपनी माँ से उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। आपकी, सिर्फ आपकी वजह से मैं गरीब हूँ। आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर उसकी माँ रोने लगी और उसके आंसू हीरों में बदलने लगे। स्वरा ने सारे हीरे जमा कर लिए। इन हीरों को बेचकर स्वरा और उसकी माँ अमीर हो गई। अब से जब भी स्वरा को पैसों की जरूरत होती वो माँ को रुलाया करती थी। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गए। अब स्वरा 17 साल की खूबसूरत युवती थी। उसे महंगे गहने और कपड़ों का शौक था, इसीलिए अब वो अपनी माँ को अक्सर रुलाया करती थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत बहुत खराब हुई। स्वरा, यहाँ आओ। माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। सिर्फ 2 मिनट बेटा। हाँ माँ, बोलो। मुझे लगता नहीं कि मैं अब और ज्यादा जी पाऊंगी, लेकिन तुम्हें ये बात बताना बहुत जरूरी है। तुम मेरे और तुम्हारे पापा की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। तुम्हें पालने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं नाकाम रही। लेकिन स्वरा बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस बार जब सुषमा रोई तब उसकी आंखों से 2 लाल हीरे निकले। स्वरा ने जब वो हीरे उठाए और उन्हें देखा तो उसमें उसे अपने बचपन की यादें दिखी। उसके पैदा होने की खुशी, उसके पापा की मौत, उसके माँ की रात रात भर की मेहनत, ये सब देखकर स्वरा भावुक हो गई और वो रोने लगी। स्वरा के रोने से सब कुछ पहले की तरह बदल गया। स्वरा वापस 12 साल की बन गई। स्वरा ने अपनी माँ को गले लगाया। माँ,
अब मैं तुम्हें वापस कभी नहीं रुलाऊंगी। तुम्हारे आंसू किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती हैं। मैं अब से कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे माफ कर दो माँ। हाँ, पर किस लिए? सुषमा को याद ही नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन स्वरा को सब कुछ याद था। देखा दोस्तों, हीरो के लालच में आकर स्वरा अपनी माँ को हमेशा रुलाया करती थी। माँ के आंसू हीरो में बदल जाते थे, जिनसे स्वरा अपना स्वार्थ साधती थी, लेकिन आखिर उसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता किसी भी कीमती हीरे या मोतियों से ज्यादा अमूल्य है। हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी बेला नाम की लड़की की है, जो किसी मछली का पीछा करते हुए एक अलग ही अद्भुत दुनिया में आ पहुंचती है, जहां पर उसका सामना एक भयानक और दुष्ट चुड़ैल के साथ होता है। क्या बेला उस चुड़ैल को हरा पाती है? जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अरे करमजली, इतनी देर लगाती है पानी लाने में? अभी कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, वो सब कौन करेगा? अभी करती हूँ माँ। खबरदार, मुझे माँ कहा तो। खुद की माँ को तो जन्म लेते ही खा गई तू, अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है? अरे सपना बेटा, आप जल्दी उठ गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाय दैया, ये देखो मेरा सोना भूख से तड़प रहा है, और अब तक इस चुड़ैल ने खाना भी नहीं बनाया। अब मेरा मुंह ही ताकती रहोगी या जल्दी से खाना भी पकाओगी? अभी बनाती हूँ माँ, अभी बनाती हूँ। माँ, आज तो मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। हाँ सोना, आज खाने में मछली ही पकाएंगे। ओ बेला, सुना तुमने, मेरी बेटी को आज मछली खानी है। जाओ नदी पे जाकर थोड़ी मछलियाँ पकड़ के लाओ। जी, जाती हूँ। आज तो एक भी मछली नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? माँ, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बोलो ना माँ। ओह, मेरी अंगूठी, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी अंगूठी मुझे वापस करो। ये कैसी सुरंग है? हाँ, ये कैसी जगह है? बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चे, बचाओ! आग लग गई है, आग! कोई बचाओ मेरे बच्चों को, वो मर जाएंगे! बचाओ, ओ, मेरे बच्चे, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे, वो उस आग में फंस गए हैं! कोई उन्हें बचाओ! बेटी, क्या तुम उन्हें बचा सकती हो? कृपया मेरी मदद करो! घबराओ मत चिड़िया, मैं अभी उन्हें बचाती हूँ। अरे ये क्या, इस नदी का पानी कैसे सूख रहा है? तो तुम यहाँ हो? वो अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मुझे वो अभी वापस दो। तुम हमें हर रोज पानी से पकड़कर मारती हो, तुम बहुत ही बुरी हो। मैं तुम्हें वो अंगूठी वापस नहीं दूंगी। वो मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसा मेरी सौतेली माँ के कहने पर करना पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ पर एक चुड़ैल रहती है, वो अपनी काली शक्तियों से इस नदी के पानी को सुखा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये नदी पूरी सूख जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तुम्हें उस चुड़ैल को किसी भी तरह रोक उसकी काली शक्तियों को खत्म करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि
कि अगर मैंने उस चुड़ैल को रोक दिया तो तुम मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दोगी। हाँ जरूर, मैं वादा करती हूँ। एक बार इस नदी का पूरा पानी सूख जाए तो मैं इसमें से सारी मछलियों को खा जाऊंगी। हाँ, फिर मुझे मछलियाँ पकड़नी नहीं पड़ेगी। तुम यहाँ से चली जाओ, ये चुड़ैल बहुत ही दुष्ट है, उसने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया है, वो तुम्हें भी पकड़ लेगी, चली जाओ यहाँ से। भाग जाओ यहाँ से, मैंने पिंजरे का ताला खोल दिया है। नहीं, मुझे बाहर जाने से डर लगता है, वो चुड़ैल मुझे फिर से पकड़ लेगी, मैं यही रहूंगा। फिर तो मुझे ही तुम्हें उस चुड़ैल से बचाना होगा। कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी काली जादू को अब रोक देना चाहिए, उसकी वजह से नदी का पानी सूख रहा है और सारी मछलियाँ मर रही है, ऐसा मत करो। अच्छा है, अब मैं उन सारी मछलियों को खा जाऊंगी। मछलियाँ पकड़ पकड़ के मैं थक चुकी हूँ और इसीलिए मैं इस नदी को सुखा रही हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो। हाँ? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अब मैं तुम्हें भी एक मछली बनाकर खा जाऊंगी। चलो अब मैं बाजार में जाकर कुछ मिर्च मसाले ले आती हूँ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से पका कर खा जाऊंगी। सुनो तोते, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर आज भी तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे तो हम कभी भी इस चुड़ैल से छुटकारा नहीं पाएंगे। तुम बहुत ही दिलेर और अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जादुई छड़ी को अपने पास रखो, इससे तुम उस चुड़ैल को एक अच्छा सबक सिखा पाओगी। हाँ, तुम्हें पहले जैसे किसने बनाया? वो तो ये बताएगा। लोगों को पकड़कर तुम कैद करती हो ना, अब हम तुम्हें मजा चखाएंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तो सिर्फ वो मछलियाँ खानी थी। मछलियाँ तो तुम्हें जरूरत के हिसाब से मिल रही थी, लेकिन तुम लालची होकर उन सभी को खाना चाहती हो। लालच और जरूरत में बहुत फर्क होता है, तुम अपने लालच और फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचा रही हो। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी, तुम सही हो, मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से ही चीजें लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, मैं अपने काली जादू को रोक दूंगी और आज से किसी भी मछली की जान नहीं लूंगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया बेला, तुम सच में बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची हो, तुमने हम सबको बचा लिया, उस चिड़िया के घोंसले को भी और हाँ इस तोते को भी। हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जिसे पाने के बाद तुम्हें कभी मछलियाँ नहीं पकड़नी पड़ेगी। इतना सारा सोना? हाँ, तुम इसके हकदार हो क्योंकि तुम्हारा दिल इस सोने से भी अधिक मूल्यवान है। और हाँ, ये लो तुम्हारे माँ की अंगूठी। शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये क्या? हाँ, इतना सारा सोना, ये तुम्हें कहाँ मिला?
अरे वाह, फिर तो अब हम दोनों भी जाकर ढेर सारा सोना लेकर आते हैं। तब तक तुम खाना बनाकर तैयार रखना। वाह, ये तो सच में ही अनोखी जगह है। अब तो यहाँ से ढेर सारा सोना लेकर ही जाएंगे। मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे घोंसले को बचाओ। पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा घोंसला बचाने के लिए हम अपनी जान क्यों जोखिम में डाले? नहीं तो क्या, अगर हमें कुछ हो गया तो? चलो माँ जल्दी चलो, हम तो यहाँ सोना लेने आए हैं। ये तो वही मछली लगती है, चलो जल्दी से उससे वो सोना मांग लेते हैं। ए मछली, क्या तुमने ही हमारी बेला को सोना दिया था? क्या तुम उसकी माँ हो? हाँ हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। अब जल्दी से हमें भी वो सोना दे दो। अभी देती हूँ। अरे ये क्या हो गया? हम मेंढक कैसे बन गए? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों ही बड़ी आलसी, कामचोर और लालची हो। तुम उस बेला की सौतेली माँ हो। तुम दोनों ने आज तक उस बेचारी लड़की से बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, ये उसी की सजा है। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हम अब उससे कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे और हमें अब सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें फिर से पहले जैसा बना दो, हम अपनी गलतियाँ सुधारेंगे। अब जाओ यहाँ से और साथ में मिलजुल कर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हें बड़ा दुख दिया है, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। मेरी माँ। देखा दोस्तों, बेला को उसकी दिलेरी, बहादुरी और अच्छाई का कितना सुनहरा उपहार मिला, और कैसे उसकी सौतेली माँ और बहन को उनके लालच और बुरे बर्ताव की सजा मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ना ही हमें किसी से बुरा बर्ताव करना चाहिए और ना ही हमें किसी भी चीज का लालच करना चाहिए। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले।